गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज का चैप्टर है हाउ कैन आई बिकम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या आइडियल एमआर हैबिट्स। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सेगमेंट्स पर आ सकते हैं, और यहां पर हम ये भी देखेंगे कि एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कौन कौन सी हैबिट्स होती हैं जो उनको एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सेगमेंट्स पर ले जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट, यदि हम आइडियल एमआर हैबिट्स की बात करते हैं तो अगर सबसे पहली उनकी आप हैबिट देखिए, जो सबसे फर्स्ट हैबिट उनकी होती है वो होती है प्लानिंग फॉर ईच डॉक्टर। हमेशा उनकी प्लानिंग हमेशा तैयार रहती है, हर एक डॉक्टर के लिए अलग एक स्ट्रेटजी होती है। यदि उनको पेडियाट्रिक डॉक्टर से मिलना है, बच्चों के डॉक्टर से मिलना है, उसके लिए ब्रांड की प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, कौन से ब्रांड को हमको बताना है, उसके प्रॉपर सैंपल तैयार होते हैं, किस तरीके से हमको डील करना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपने ब्रांड को डील करते हैं। प्लानिंग फॉर ईच डॉक्टर, इसलिए यहां पर लिखा है कि हर एक डॉक्टर्स के लिए एक अलग स्ट्रेटजी एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताता है, उस पर्टिकुलर डॉक्टर्स की हैबिट्स को देखकर कि उसकी हैबिट्स किस तरह के साइड्स को लिखने की है, किस तरह से वो डील करता है, किस तरह से वो प्रिस्क्रिप्शन करता है या वो किस तरह से कंज्यूमिंग करता है। सेकेंड, एक आइडियल एमआर की हैबिट होती है ब्रांड प्रेजेंटेशन पैटर्न। यस, जब भी आप देखो एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम मान सकते हैं कि वो एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सेगमेंट्स पर है, तो जब भी अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा, जब भी अपने ब्रांड्स की कॉलिंग करेगा, तो उसका जो पैटर्न होगा ब्रांड को कॉल करने का वो बहुत अलग होगा। प्रॉपर तरीके से कॉल करेगा, जिस समय वो अपने फोल्डर को पकड़ेगा हर एक पॉइंट को अपने एक पेन से शो करता जाएगा जिससे कोई भी प्लांट उसके छूटे ना, और प्रॉपर डिटेलिंग की जो जो एथिक्स और एडिक्वेट्स होते हैं उसका वो पालन करता है। डिटेलिंग की क्या एथिक्स एडिक्वेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में पहले डिस्क्राइब किया हुआ है। और थर्ड हैबिट की हम बात करें, फॉलोअप। यस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है यदि आपको आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है। तो आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो रिस्पांसिबिलिटी आपको मिली हुई है टारगेट्स को अचीव करने के लिए, यस, तो वो तभी संभव है जब आप एक कॉल करने के बाद प्रॉपर उसका फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप का मतलब है कि जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, आप सपोज दैट आप हफ्ते में एक बार कॉल कर रहे हैं, यस, और दूसरे हफ्ते फिर आपको कॉल करना है, तो इसके बीच में जो दौरान गैप बना हुआ है, बिटवीन जो गैप है दो कॉल के बीच में, क्या उस दौरान आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, क्या आप उसको रिमाइंड कराते हैं अपने ब्रांड्स का, यस, या अगर आपके ब्रांड से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आप प्रॉपर फॉलोअप करके प्रॉपर क्या रिपोर्टिंग अपने सीनियर्स को आप दे रहे हैं। फॉलोअप एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से आप अपने टारगेट्स को बहुत अच्छी तरह फुलफिल कर सकते हैं, अपने ब्रांड्स को बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं डॉक्टर्स के माइंड में। फॉलोअप एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हैबिट बन जाती है। अगर एक सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हैबिट्स को आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा कि आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा अपने डॉक्टर्स के टच में रहता है। वो ऐसा कभी नहीं करता कि इस हफ्ते कॉल कर लिया तो अगले हफ्ते ही उससे मिलेगा, नहीं, इसके बीच दौरान जो गैप है उस गैप में भी किसी ना किसी माध्यम से वो कांटेक्ट में रहता है, जिससे उसके ब्रांड का रिमाइंडर डॉक्टर्स को टाइम टू टाइम हो सके और रेगुलर रिमाइंडर उसके माइंड में हो, डॉक्टर्स के माइंड में आपके ब्रांड के प्रति। और अगर फोर्थ हैबिट्स की हम बात करें, चौथे हैबिट्स की, ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन टेकिंग एबिलिटी। यस, आप जब भी देखिए जब कोई सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कॉल करता है, उसकी कॉलिंग जिस समय क्लोज होती है, उस समय उसका मुख्य ध्यान यह होना चाहिए कि अब हमको यहां से ऑर्डर लेना है या प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें डॉक्टर्स को
काइंडली रिक्वेस्ट करना है, तो वहां पर क्या होता है, वहां इन दो पॉइंटों पर वो ध्यान ना देके कुछ अन्य तरीके को पॉइंट्स पर बात करना स्टार्ट कर देता है। और जो मेन मुद्दा होता है ऑर्डर निकालना या प्रिस्क्रिप्शन के लिए काइंडली रिक्वेस्ट करना, वो पीछे हो जाता है। यदि आपको आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो जैसे ही आपकी काल खत्म होती है वैसे ही आपका प्राइमरी होना चाहिए ऑर्डर निकाल लेना या प्रिस्क्रिप्शन के लिए ऐसे काइंडली रिक्वेस्ट करना जिससे आपको पर डे एक या दो प्रिस्क्रिप्शन मिलना स्टार्ट हो जाए। कुछ ऐसे पॉइंट पर बात करना है जिससे डॉक्टर से आपका कनेक्शन बने, यस, आप अपने ब्रांड की एजुकेशन से उसको आप इम्प्रेस करें, या बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हम लोग ने डिस्कस किए हैं पहले चैप्टर्स में। तो यस, आइडियल एमआर की अगर हैबिट्स की हम बात करें, तो यहां पर आप चार हैबिट देख रहे हो, प्लानिंग फॉर ईच डॉक्टर, सेकेंड ब्रांड प्रेजेंटेशन पैटर्न, थर्ड फॉलो अप, एंड लास्ट वन ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन टेकिंग एबिलिटी। तो ये होती हैं एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हैबिट्स। माय डियर फ्रेंड, प्लानिंग फॉर ईच डॉक्टर, अब हम एक एक पॉइंट्स को समझते हैं कि प्लानिंग फॉर ईच डॉक्टर क्या होता है। एक्चुअली अगर हम प्लानिंग फॉर ईच डॉक्टर की बात करें, तो एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता क्या है, डॉक्टर नेम विद देयर टाइम स्पेसिफिकेशन। हर एक डॉक्टर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलना चाहता है या कॉल उसकी लेना चाहता है। यदि आपको आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि डॉक्टर्स की टाइमिंग क्या है और आप उसको मिस कर जाते हो, लेकिन अगर उसकी टाइमिंग को आप अपने डायरी में मेंटेन कर लिया आपने, इस टाइम पे इस डॉक्टर्स को मिलने का टाइम है, तो आपका वो टाइम कभी भी मिस नहीं होगा। मतलब प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होगी कि इस टाइम पर मुझे इस डॉक्टर के पास होना है, यस। सेकेंड, ब्रांड प्लानिंग अकॉर्डिंग डॉक्टर, यस। सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करते क्या है, बैग लिया, अपने टूल्स डाले, सैंपल्स डाले और मार्केट में निकल गए। और जब उसके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, बच्चों के डॉक्टर के पास पहुंचा और सैंपल क्या है, जिस ब्रांड को बताना चाह रहा है उसके सैंपल ही नहीं है, यस, कैसे वो इफेक्टिव कॉलिंग उसकी हो पाएगी। हमेशा आपको जिस डॉक्टर से कॉल करना है, चाहे वो पेडियाट्रिक डॉक्टर हो चाहे वो गायनी डॉक्टर हो, जिस सेगमेंट्स के ब्रांड को आपको बताना है उसके प्रॉपर सैंपल आपके बैग में होने चाहिए, यस। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड पॉइंट की, प्लानिंग फॉर इस डॉक्टर की, तो सैंपल प्लानिंग अकॉर्डिंग डॉक्टर्स, जैसे कि मैं अभी आप बता रहा था, सैंपल की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाइट में ही प्लानिंग कर लेता है कि हमें नेक्स्ट डेज किस किस सेगमेंट के डॉक्टर्स से मिलना है, अपने ब्रांड्स के सैंपल उसके पास होते हैं या ब्रांड्स के रिमाइंडर उसके पास होते हैं अगर सैंपल नहीं है, जिससे उसके ब्रांड को रिमाइंड करा सके। प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में, प्रिस्क्रिप्शन हैबिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने ब्रांड को किस तरीके से बार बार डॉक्टर्स को रिमाइंड करा रहे हो, जिससे आपका ब्रांड पर्टिकुलर डॉक्टर्स के माइंड में सेट हो जाए, उसकी कलम में आपका ब्रांड आ जाए, यस। और ये तभी संभव है जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, गिव लेटेस्ट नॉलेज टू डॉक्टर, यस। प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को 98% भीड़ से कैसे अपने आप को आप आइसोलेट कर रहे हो। नो डाउट डॉक्टर्स के पास बहुत से ऑप्शन है ब्रांड्स को लिखने के लिए, लेकिन आपका ब्रांड वो क्यों लिखे? जब तक वाई आप क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपके ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने पर्टिकुलर ब्रांड की प्रॉपर एजुकेशन किस हिसाब से, किस स्टाइल से आप डॉक्टर को डिलीवर कर रहे हो। एक डॉक्टर उसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कॉल लेना ज्यादा पसंद करता है, उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को टाइम ज्यादा देना पसंद करता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छी नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज साइट के प्रति या अपने ब्रांड के प्रति उसको देता है, यस। सपोज दैट आपको अपने लियोफ्लॉक्सासिन ब्रांड को प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कराना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लियोफ्लॉक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है,
आपको पता होना चाहिए कि लियोफ्लॉक्सासिन की टी मैक्स वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि लियोफ्लॉक्सासिन की सी मैक्स वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि लियोफ्लॉक्सासिन का एयूसी क्या है। अगर आप इस पॉइंट पर बात करोगे तभी आप डॉक्टर को कन्विंस कर पाओगे। नो डाउट डॉक्टर को आपसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जब आप उस नॉलेज को आप रिमाइंड कराते हो तो डॉक्टर को भी लगता है यस ये तो मैंने पढ़ा था। और याद रखना जब भी किसी डॉक्टर को आप ऐसे एजुकेशन को याद दिलाते हो जो उसने पढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से वहां से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। यस, वहां पर वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है और अगर उसके पर्टिकुलर आंसर आपके पास है तो निश्चित रूप से आपका ब्रांड उसके माइंड में प्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता। यस, तो हमेशा आप प्लानिंग करके चलिए, जिस ब्रांड को आपको प्रिस्क्राइब कराना है या कंज्यूम कराना है उस ब्रांड की कुछ ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, उस ब्रांड के पर्टिकुलर साल की कुछ ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर्स में एक क्यूरियोसिटी डेवलप करे, यस, उस हिसाब से आपको कॉल करना है। यस, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो यहां पर हमने देखा प्लानिंग फॉर ईच डॉक्टर में, ये चार पॉइंट्स हमने देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या था? आइडियल एमआर कॉलिंग, आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की यदि हम कॉलिंग की बात करें। यहां पर मैं बार बार कॉलिंग वर्ड यूज कर रहा हूं। कॉलिंग का मतलब होता है अपने ब्रांड का जब आप प्रेजेंटेशन डॉक्टर्स के सामने करते हैं उसको बोलते हैं कॉलिंग। तो आइडियल एमआर की अगर कॉलिंग पर हम ध्यान दें, आप देखिए कॉलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अब डॉक्टर्स के सामने कॉलिंग कर रहा है, हमेशा उसके फेस में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एक सुकून होना चाहिए, एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए, जिससे डॉक्टर्स यदि आपके फेस को देख भी रहा है तो उसको इरिटेशन ना हो कि ये अपना काम प्रेशर से कर रहा है या अपने काम खुशी से कर रहा है। यस, स्माइलिंग फेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉलिंग के दौरान। यस, जिस समय आप बोल रहे हैं तो आपके फेस में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपके फेस में एक सुकून होना चाहिए कि यस मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहा हूं। क्लियर? सेकेंड, प्रॉपर ड्रेस कोड। यस, यदि आप एक ऐसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट होता क्या है, आपकी कंपनी जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं डॉक्टर्स के सामने, उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर्स के सामने। आपका हुलिया यह बता देता है कि आप कैसी कंपनी से हैं। तो यदि आपने कंपनी की रिप्यूटेशन आपको बनानी है तो आपका प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रॉपर ड्रेस कोड में आपको बता रहा है कि प्रॉपर ड्रेस कोड होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया है। यदि आप उसका फॉलो अप करेंगे तो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, यस, डॉक्टर से आपका कनेक्शन अच्छा होगा, यस, और जब डॉक्टर से आपका कनेक्शन अच्छा होगा तो आप अपने ब्रांड को भी बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। Yes, तो प्रॉपर ड्रेस कोड का फॉलो अप करिए। एक सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में सबसे बड़ा जो बेसिक अंतर आप देखोगे उसके ड्रेस कोड का होगा। अगर वो आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप उसके प्रॉपर ड्रेस कोड देख लीजिए और एक जो सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसका प्रॉपर ड्रेस कोड देख लीजिए, जमीन आसमान का आपको अंतर मिल जाएगा। हमेशा आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर ड्रेस कोड में होगा। यस, फिर से मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, जैसे कि आप जानते हैं ड्रेस कोड मैंने जो जो चीजें बताई थी। और सेकंड हम बात करेंगे पेशेंस स्माइलिंग फेस। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी डॉक्टर्स को कॉल करने जा रहे हैं, हो सकता है वहां पे पहले से 8-10 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है निश्चित रूप से आप दूसरे डॉक्टर्स के लिए स्विच हो जाएंगे, वो डॉक्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि वो अगर उस डॉक्टर के पास 8 या 10 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इट मींस वो डॉक्टर्स काफी बिजी रहने वाला है, उसके प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है। यस, और यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो कभी भी आप अच्छी कॉल डॉक्टर्स को नहीं दे पाएंगे। जब भी उसको कॉल आप देंगे तो आपका चेहरा थका थका महसूस होगा। यस, वो एनर्जी लेवल नहीं होगा। तो अगर पेशेंस आपके पास है तो ही आप एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सेगमेंट्स पे स्विच कर सकते हैं। यस, तो पेशेंस रखना होता है। और थर्ड आता है कंप्लीट नॉलेज ऑफ साल्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब सपोज दैट आप किसी डॉक्टर्स की कॉल कर रहे हैं, अपने साइट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके मैकेनिज्म आप एक्शन को बता रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चनिंग डॉक्टर की तरफ से आती है और प्रॉपर आंसर आपके पास नहीं है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपने एक अच्छे डॉक्टर्स को खो दिया है। जब आपको ही साइट का नॉलेज नहीं है तो आप डॉक्टर्स को बताओगे क्या? क्या सिर्फ उसको ब्रांड हटाने के लिए आप जा रहे हो? आप जब भी किसी डॉक्टर्स की कॉल करें, फिर से मैं एग्जांपल लूंगा, सपोज दैट आप लियोफ्लॉक्सासिन ब्रांड की कॉल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर लियोफ्लॉक्सासिन का नॉलेज होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप गेन करिए, इंटरनेट से निकालिए, कोर्स करिए, कहीं से भी निकालिए, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ ही अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना सीखिए। यदि आप सिंपल एमआर से एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, क्योंकि यदि अच्छे डॉक्टर्स की कॉल करना है और प्रॉपर साल्ट का आपको नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे अपने ब्रांड को प्लेस करना डॉक्टर्स के माइंड में। यस, क्योंकि साल्ट नॉलेज ही आपको प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में विन कराएगा। यस, और फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं आइडियल एमआर कॉलिंग में, यूज देयर सेंस अकॉर्डिंग सिचुएशन। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, हमेशा अपने सेंस का यूज करिए। सपोज दैट डॉक्टर्स के पास मरीज बहुत है, वो मरीजों से घिरा हुआ है और आप बार बार कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉलिंग की, हो सकता है डॉक्टर इरिटेट हो जाए। आप अपने सेंस का यूज करिए। आपने रिमाइंडर लगा दिया, दैट इज सफिशियंट, डॉक्टर्स को पता है कि यस आप बैठे हुए हैं। और यदि आप सेंस का यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास सेंस नहीं है, तो डॉक्टर्स भी आपको वो रिस्पांस नहीं देगा जो रिस्पांस आपको मिलना चाहिए। भले ही आप प्रॉपर ड्रेस कोड में, भले ही आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपने सेंस का यूज नहीं किया तो निश्चित रूप से आपकी कॉल डिस्टर्ब होने वाली है। यस, तो सेंस का यूज करिए। माहौल कैसा है, यूज देयर सेंस अकॉर्डिंग सिचुएशन। सिचुएशन देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे आप देख रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, जैसे प्रॉपर ड्रेस कोड में क्या आता है आपका, डार्क कलर पैंट, लाइट कलर शर्ट, मैचिंग टाई, शू विद पॉलिश एंड ग्रूम हेयर, ये होता है प्रॉपर ड्रेस कोड आपका। इसके साथ आप जाएं। सेकंड, अगर कंप्लीट नॉलेज, आप हम साल्ट की बात करें तो क्या नॉलेज होना चाहिए, आपको इंडिकेशन पता होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए साल्ट का क्या है, बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, और बहुत सारे पॉइंट जैसे साइड इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे साइड इफेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बताना भूल जाते हैं। साइड इफेक्ट हमेशा बताइए, हमेशा बताइए इस साल्ट को किस साल्ट के साथ दिया जा सकता है। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं अगर दूसरे साल्ट के साथ दे दी जाए तो रिएक्शन कर जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। यस, अगर हम यूज देयर सेंस अकॉर्डिंग सिचुएशन की बात करें, आप देखिए नंबर ऑफ पेशेंट वहां पर कितने हैं, डॉक्टर के पास टाइम है या नहीं है। यस, अगर टाइम उसके पास कम है तो अपने ब्रांड को बहुत साल्ट तरीके से उसको बताएं, रिमाइंड करा दें। अगर टाइम है तो आप वहां पर प्रॉपर डिटेलिंग कर दें। तो थोड़ा सा सेंस का भी यूज करिए। अब पता चला मरीजों से वो घिरा हुआ है और आप 10 मिनट अपने ब्रांड को ही डिटेलिंग कर रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर्स के मूड को भी आप देखिए। यस, और तो इस तरीके से मेन यहां पर हमने देखे, और अब हम देखेंगे आइडियल एमआर का फॉलोअप कैसे होता है। यस, फॉलोअप का मतलब होता है डॉक्टर्स का फॉलोअप करना अपने ब्रांड के लिए। गैप फिलअप बिटवीन टू कॉल। एक्चुअली क्या होता है, जनरली क्या होता है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक डॉक्टर से एक मंथ में लगभग 4 बार मिलता है, मतलब हफ्ते में एक बार। इसका मतलब है 2 कॉल के बीच में 6 दिन का गैप होता है, 5 या 6 दिन का गैप होता है। तो इस 5 से 6 दिन के बीच में यदि आपका कनेक्शन नहीं है डॉक्टर के पास, निश्चित रूप से वो ब्रांड आपका भूल जाएगा। तो कुछ ऐसी टेक्निक निकालिए जिससे आपका ब्रांड डॉक्टर्स को बार बार रिमाइंड होता रहे। यस, तो गैप को फिलअप करिए। सेकेंड, यूज रिमाइंडर। गैप कैसे फिलअप होगा, आप रिमाइंडर का यूज करिए। सपोज दैट आप उसी रूट से निकल रहे हैं, उस डॉक्टर की कॉलिंग कर लिया है, आप कोई ऐसा रिमाइंडर आप उसके टेबल पे लगा दीजिए। आपको प्रॉपर कॉल तो नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही ब्रांड उसके मेज पे आएगा फिर उसको रिमाइंड हो जाएगा। यस, कुछ रिमाइंडर्स का यूज कर लीजिए।
फोन से बातचीत कर लीजिए, जब आपको लगे कि डॉक्टर साहब इस समय खाली होंगे, आप फोन से हेलो हाय कर सकते हैं, विश कर सकते हैं उनको, कोई ना कोई एक ऐसा मौका, कोई ऐसा इवेंट तलाशिए जिससे आप उससे बात कर सकते हैं। यस, तो आपका कनेक्शन डॉक्टर से बना रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? यस, हेलो हाय कर सकते हैं डॉक्टर से आप बाय फोन। जब भी डॉक्टर रिलैक्स मूड में है, जब आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स खाली होंगे, अब वो पता चला बिजी है, आप हेलो हाय कर रहे हैं, क्या मतलब निकलेगा? यहां पर सेंस का भी यूज करना है। और फोर्थ है रेगुलर ब्रांड फीडबैक। यस, जब भी दो काल के बीच में आपका गैप है, आप हमेशा ब्रांड्स का फीडबैक लेते रहिए, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, माइनस आ रहे हैं, अगर निगेटिव आ रहे हैं तो क्या रीजंस है, उसको आप सॉल्व आउट करिए। यस, अपने मैनेजमेंट से बात करिए, अपने सीनियर्स को बताइए। तो ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर करेंगे तो नो डाउट आप एक सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सेगमेंट पे स्विच कर जाएंगे। थोड़ा सा फिर हम देख लेते हैं गैप फिलअप बिटवीन टू कॉल्स में कैसे करना है। जैसे सपोज दैट आप मंडे टू मंडे कॉल कर रहे हैं, तो मंडे से अगले मंडे के बीच में जो गैप है उसको आप फिलअप करिए। यस, रिमाइंडर कैसे? रिमाइंडर का मतलब है जैसे लिटरेचर आप कुछ प्रोवाइड करा दीजिए। यस, प्रिस्क्रिप्शन पैड में जैसे ब्रांड्स वगैरह लिखे रहते हैं वो आप दे सकते हैं, और अदर्स बहुत सारे और भी टेक्निक्स हैं अपने ब्रांड्स को रिमाइंड कराने के लिए, जैसे कि मैंने नेक्स्ट चैप्टर में कुछ बताए थे आपको, सॉरी पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था। और यस, अगर हेलो बोलना है कैसे आप उससे कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो आप जो है उसको हेलो बोल सकते हैं, विश कर सकते हैं, उसको गुड न्यूज को ही बता सकते हैं, कोई गुड न्यूज का एक आप बताइए, जैसे आपको कोई न्यूज मिली अपने फील्ड से रिलेटेड तो आपने उसको बताया सर ये न्यूज है आज की डेट में, तो एक रास्ता मिल जाएगा उससे बात करने का। और ट्राई टू टर्न फोकस, इससे क्या होगा, एक रास्ता मिल जाएगा जिससे डॉक्टर का फोकस आपकी तरफ होगा, कंपनी की रिमाइंडिंग होगी, अच्छा ये उस कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ब्रांड्स को रिमाइंड होगा, तो ये एक वो तरीका है जिससे आप गैप को फिलअप कर सकते हो। इसके साथ ही अगर रेगुलर ब्रांड फीडबैक की हम बात करें, तो हमेशा डॉक्टर से आप पूछते रहिए कि आपके ब्रांड से उसको क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं या क्या निगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, और रिटेलर्स से हमेशा इस जानने का प्रयास करिए कि कैसी सेल आपकी निकल रही है। यस, तो ये वो पॉइंट है जो आपको एक सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सेगमेंट्स पर आपको स्विच करा देंगे। यस, ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन टेकिंग एबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बहुत अच्छी कॉल करते हैं, आप बहुत बहुत रिमाइंड कराते हैं, लेकिन एंड टाइम पर आप फुस हो जाते हैं, ऑर्डर लेना भूल जाते हैं या प्रिस्क्रिप्शन लेना कराना भूल जाते हैं, रिक्वेस्ट करना भूल जाते हैं, तो जीरो पर फिर आप खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले उसका वाई क्लियर करिए कि वाई शुड बी क्लियर। डॉक्टर्स को यह क्लियर करिए कि वाई शुड यू प्रेस्क्राइब माई प्रोडक्ट, आपको मेरा प्रोडक्ट क्यों लिखना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जिससे आप हमारे प्रोडक्ट्स को लिखें, हमारे ब्रांड्स को लिखें। वाई को बिल्कुल क्लियर करिए, और अगर वो आपके ब्रांड्स को नहीं लिख रहा है तो पूछिए रीजन क्या है, उसको तलाशिए। सेकंड, एक्स्ट्रा। यस, एक्स्ट्रा क्या है, अब एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। थर्ड है इंटेंजिबल थिंग, एंड फोर्थ है वैल्यू। ये चार पॉइंट पर जरा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई, वाई शुड आई टेक योर प्रोडक्ट फॉर प्रिस्क्रिप्शन और कंज्यूमिंग। डॉक्टर का वाई बिल्कुल क्लियर करिए कि आपका प्रोडक्ट उसे क्यों प्रिस्क्राइब करना चाहिए या क्यों कंज्यूम करना चाहिए। दूसरा, एक्स्ट्रा। यस, आज का समय वो नहीं है कि सिर्फ आपने कॉलिंग दे दी, इसके अलावा आप उसको क्या दे रहे हैं। आज हर एक कस्टमर खुशी चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं? यदि आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वाई आप उसका क्लियर कर सकते हैं। यस, इसके साथ ही रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्पेक्ट डॉक्टर्स को देते हैं तो निश्चित रूप से ये एक इंटेंजिबल थिंग है जिसको आप देख तो नहीं सकते, लेकिन एक डॉक्टर महसूस करता है। और जब भी आप किसी डॉक्टर को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी भी पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसका जो बिहेव है अल्टीमेट आपके प्रति चेंज हो जाता है। तो रिस्पेक्ट देना सीखिए। इसके साथ ही
रिलेशन को मेंटेन करिए, यस, नॉलेज डिलीवर करिए, और अगर हम वैल्यू की बात करें, यस, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। माय डियर फ्रेंड, जब भी किसी कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस कंपनी के कल्चर और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हिंदी में बोलें, सभ्यता और संस्कृति, तो जो आपका ड्रेस कोड है वो है आपकी सभ्यता, और जब आप बोलते हैं, ब्रांड का नॉलेज देते हैं, वो दिखाता है आपका कल्चर, आपकी सुगंध कैसी है। वो डॉक्टर को महसूस होना चाहिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी का जब भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, आप उसके कॉलिंग को देखिए, आपको वहां पर आपको सिविलाइजेशन भी दिख जाएगा और वहां पर आपको कल्चर भी दिख जाएगा, उसका स्टाइल आपको दिख जाएगा कैसे अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर वो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए जो आपको एक सिंपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एक आइडियल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सेगमेंट पर स्विच करा सकता है। थैंक यू वेरी मच।